तो बहुत बहुत स्वागत है आपको। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, यू नो, शादी के बाद आई थिंक बड़ा प्रोजेक्ट, क्या कहना चाहेंगे? आई नो शादी के बाद यू नो लकी चार्म, सो आई विल गिव ऑल द क्रेडिट टू माय वाइफ। सो या इट्स अ बड़ा शो, मतलब बहुत बड़ा शो, एंड स्पेशली इट्स अ होम कमिंग फॉर मी, बिकॉज राजन जी के साथ मैंने मायका शुरू किया था, अपना पहला बड़ा एक शो मायका जो था। तो अब वापस से राजन जी के साथ काम कर रहा हूँ, तो पूरी टीम वही है, सेम टीम जो मायका में थी, एंड इट्स लाइक इट फील्स लाइक कमिंग होम। जब आपको ये बोल नरेट किया गया था कि ये ऐसा किरदार है, क्या कुछ बताया गया था, थोड़ा बताइए, और कितने एक्साइटेड आप इसको करने के लिए? मैं सच बताऊँ तो दिस इज द फर्स्ट शो इन माई करियर सो फार जहाँ मैंने ना नरेशन पूछी है, ना मैंने ये पूछा है कि कब से शूट करना है, किरदार क्या है, उसका शो में क्या है, मैंने कुछ भी नहीं पूछा। इट इज़ लाइक जब आदेश जारी होता है राजन जी के यहाँ से, सो ही इज़ लाइक आई हैव लर्न इट फ्रॉम हिम, सो ही इज़ लाइक लाइक माई टीचर। तो उनके यहाँ से कॉल आया और मैंने कुछ भी नहीं पूछा, एंड आई वॉज ऑन द सेट नेक्स्ट डे शूटिंग फॉर इट। थोड़ा जाना चाहेंगे कैसे क्या हो रहा है, मतलब आपका जो किरदार है, आपसे पर्सन कितना मैच करता है, कितना रिलेट करता है? यस, मेरे ख्याल से सेट पे आने के बाद जितना भी मेरे साथ डिस्कशन हुआ, मुझे लगता है कि बहुत ही एक डिफरेंट प्लेस रखता है इस शो में। किसी से कोई अभी तक रिलेशनशिप नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन जिसकी खुद की एक लॉ फर्म है, और वहीं पर अभीरा और चारू जो है उसकी कंपनी में आके इंटर्नशिप करी, बिकॉज इट इज़ एज बिग एज पोदास कंपनी। तो बहुत मज़ा आ रहा है, धीरे धीरे लेयर्स खुल रही है, अभी तो पूरी तरह लेयर खुली भी नहीं, लेकिन हाँ चारू की तरफ से कुछ कुछ फीलिंग्स हैं देव के लिए, और आगे शायद आपको देखने को मिलेगा कि देव की तरफ से भी कुछ कुछ फीलिंग्स होंगी। और ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है एक इंसान के साथ, एक बड़ा ही अलग किस्म का रिश्ता है, जो लोग ये बॉन्ड देखकर ज़रूर ये कहेंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। एग्जैक्टली, ये इतने सालों से चलता आ रहा है, यू नो, तीसरा चौथा जनरेशन चल रहा है, और भी जो स्टार कास्ट है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और किस तरह से आपका वेलकम हुआ यहाँ पर, जितने लोगों ने वेलकम किया, जो भी स्टार कास्ट है? बहुत अच्छी स्टार कास्ट है, दिस यूनिट इज़ लाइक रियली ब्लेस्ड यूनिट, इसीलिए इतने सालों से ये शो, दिस शो डजंट हैव एनी कॉम्पिटिशन, यू नो, ये अपना एक मार्क सेट करके चल रहा है शो। और यहाँ अब नई न्यू जनरेशन है, तो सबके साथ आके मिलना, अनीता जी के साथ आई ऑलरेडी शेयर अ वेरी गुड रैपो विद अनीता जी, इज लाइक अ फैमिली, और बाकी सब लोग आर रियली वेरी लविंग एंड वेरी वेलकमिंग। तो आई डिडंट फील कि मैं पहले दिन या पहली बार ये शो कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, मैं भी काफ़ी देर से कर रहा हूँ। चूँकि शादी के बाद ये पहला वो बड़ा प्रोजेक्ट है, आपने सोचा था ऐसे ही मैं वापस आऊँगा, ऐसे किरदार के साथ आऊँगा, इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ आऊँगा, या फिर और कुछ दिमाग में आपके ड्रीम था कि नहीं कुछ और ऐसा करना रहा? मेरे ख्याल से जितने भी शोज़ मेरे आज तक लोगों ने देखे होंगे, और अगर लोग अब शायद सर्च भी करें, तो मैंने हमेशा डिफरेंट तरीके के शोज़ किए हैं। मेरे शोज़ शायद आई एम वन ऑफ द मोस्ट फॉर्चुनेट एक्टर इन आवर इंडस्ट्री, कि मैंने जितने भी शो अभी तक किए हैं वो सारे बड़े शो ही रहे, यू नो, अगर आप यू नो लाइन से देखें। मेरे ख्याल से आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मुझे इस तरह के शोज़ मिलते गए जहाँ पर वो शो बहुत बड़े हो गए, और मैं हम्बल्ड होता रहा हमेशा कि मुझे इतने बड़े शोज़ में, इतने बड़े सेटअप में काम करने का मौका मिला। बट हाँ, शादी के बाद इमीडिएटली मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि राजन जी के यहाँ से मुझे कॉल आएगा, बट एज आई सेड, लकी चार्म जब आपका साथ हो तो कुछ भी हो सकता है, और अब आगे शायद यू नो एनीथिंग कैन हैपन। पहला रिएक्शन उनका क्या था जब उनको ये पता चला, ये गुड न्यूज़ मालूम चला, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन? शी वॉज हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम, शी वॉज लाइक ओ, बट शी नोज दैट शूटिंग स्केड्यूल्स कैसे होते हैं, तो बट मैंने उसको ये समझाया कि सी ये घर का शो है, और यहाँ पर टाइम मैं शो में भी दे पाऊँगा और आपको भी दे पाऊँगा, तो बहुत ज़्यादा दिन एकदम हमारे डेली सोप्स में जैसे शूट होता है 30 दिन वैसा शूट नहीं है। तो सच में बोलूँ तो ब्लेसिंग है ये शो, बिकॉज़ इतना टाइम मुझे मिल जाता है कि मैं अपने प्रोफेशन को और अपनी पर्सनल लाइफ को
बिकॉज शी इज़ न्यू हियर इन माई हाउस, सो उसको भी थोड़ा टाइम दे सकता हूँ मैं, तो मेरे लिए ये एक बहुत अच्छी बात है यार। कहते हैं शादी के बाद लाइफ बदल जाती है, लोग ऐसा कहते हैं, आप भी फील करते हैं इस चीज़ को, थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लाइफ बिल्कुल नहीं बदलती। ये मेरे ख्याल से एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इंसान सोचता है कि ज़िंदगी बदल गई, इट इज़ ऑल हियर। हम जैसे पहले रैपो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, वैसे ही आज भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उसी वजह से हम दोनों ने शादी की, क्योंकि हम दोनों की वेवलेंथ और यू नो कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग थी। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी चेंज नहीं होता है। हाँ, मुझे लगता है जब बच्चा हो जाता है, शायद उसके बाद जब आप पेरेंट बन जाते हो तो शायद तब कुछ चेंज होता होगा, बट एक दूसरे के साथ आई डोंट थिंक वो चेंज आएगा या आना चाहिए। यू नो, यू शुड ऑलवेज बी लाइक फ्रेंड्स। जहाँ बाउंड्रीज आ जाती हैं वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आती हैं, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारे एक्टर इस दौर में इस समय थोड़ा डिसीजन लेते हैं, थोड़ा बाद में शादी करेंगे, जस्ट बिकॉज कि ये टैग लग जाता है ना, शादी वादी तो काम से ही फिट पड़ता है, ऐसा बहुत सारे एक्टर कहते हैं, डिसीजन बाद में लेते हैं कि बाद। मुझे ऐसा लगता है कि जब शादी कर लेता है इंसान तो स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल होने की वजह से वो अपना ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो जाता है, वो ज़्यादा करियर की तरफ ध्यान देता है। तो मैं तो सबसे यही बोलूँगा कि भाई, अगर आपको कोई पसंद है और आपको करनी है शादी, तो बिना कुछ सोचे समझे सेटल हो जाऊँगा फिर करूँगा नहीं, वो आपके साथ जब मिलेगी तो आप दोनों मिलके सेटल हो जाओ, वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप जल्दी सेटल हो जाओगे, रादर देन थिंकिंग कि नहीं मैं रुकता हूँ फिर बाद में करूँगा, इट डजंट हैपन। शादी कर लो तुरंत और जल्दी सेटल हो जाओगे तुम लोग। लास्ट में जान चाहेंगे, ये जो प्रेम कहानी है आपने बोला इतने सालों से पहले डिसीजन लिया, कैसे शुरुआत हुई थी, कैसे एक दूसरे से मुलाकात हुई? यार हम करेंगे ना साथ में अलग से इंटरव्यू।